चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चार धाम यात्रा पर पड़ेगी महंगाई की मार, केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से बढ़ेगा 5% किराया। अब फ्लिपकार्ट से भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे यूजर, कंपनी ने यूपीआई सर्विस किया शुरू। फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर 25 रुपया पर मिलेगा डिस्काउंट। पाकिस्तान में मौसम का कहर, भूस्खलन के कारण 23 लोगों का हुआ मृत्यु, कई जगह बेहाल हुआ व्यवस्था। आंध्र प्रदेश में हुआ था ट्रेन हादसा, मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे थे ड्राइवर, ऐसे हुआ था खतरनाक हादसा जिसमें गया था 14 लोगों का जान। व्हाट्सएप में गलत मैसेज या किसी को फॉरवर्ड करने से व्हाट्सएप कंपनी ने भारत के 67 लाख अकाउंट को कर दिया हमेशा के लिए बंद। सरकार ने उठाया सख्त कानून, गूगल की क्लास लिया, प्ले स्टोर पर वापस आया भारत का 10 ऐप जो हो गया था कुछ दिन पहले बैन। पंजाब में भाजपा को बड़ा फायदा, आंदोलन के बीच पंजाब किसान दल ने पार्टी का किया विलय। घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, 1 तारीख के बाद नहीं बढ़ा घरेलू सिलेंडर की कीमत, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का हो गया आज से बढ़ोतरी। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 मार्च के बाद हो जाएगा बंद, बैंक एक्टिविटी और ब्लैकलिस्ट करेगा, इसके लिए कराना होगा नजदीकी बैंक में जाकर केवाईसी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट में दिया मंजूरी, 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त मिलेगा बिजली, सालाना 15,000 का होगा कमाई। यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा ओवैसी की पार्टी AIMIM, योगी सरकार का बढ़ सकता है मुश्किलें। यूपी में पीएम मोदी ने दिया 5 एयरपोर्ट का सौगात, बनेगा कई शहरों में 5 एयरपोर्ट, सस्ता होगा हवाई किराया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से किया गया हत्या, नाले पर मिला है शाम के समय शव। राजस्थान में जल्द लागू हो सकता है नया कानून, 2 से अधिक बच्चे करने वाले माता पिता को नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी का लाभ। 2029 में एक साथ हो सकता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव, विधि आयोग कर सकता है सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, जया प्रदा को किया फरार घोषित, पुलिस की टीम को दिया धूल निकालने का आदेश। सामूहिक विवाह करने वालों को सरकार दे रही है 51,000 रुपया, इसके लिए नजदीकी कोर्ट मैरिज ब्यूरो में जाकर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को हुआ 2300 करोड़ रुपए का नुकसान, गलत विज्ञापन दिखाने पर लगा है बड़ा आरोप। मौसम विभाग का बड़ा ऐलान, राजस्थान में पलटेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि होगा, बिजली गिरने से 6 लोगों का हुआ मृत्यु। पेटीएम पेमेंट बैंक में 5.49 करोड़ का लगा जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, इनके बिजनेस नेटवर्क में ऑनलाइन गैम्बलिंग का भी था आरोप। इधर उधर भागते हुए लोग, चारों ओर हुआ धुआं धुआं, बेंगलोर रामेश्वरम कैफे में बम धमाके का वीडियो आया सामने। आसनसोल में 2 बिहारी होंगे आमने सामने, शॉटगन के खिलाफ भोजपुरी हीरो पवन सिंह को उतारने की तैयारी में बीजेपी। शेयर बाजार में लौटा रौनक, सेंसेक्स 73,819 और निफ्टी 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया, ऑयल गैस बैंकिंग और ऑटो शेयर में सबसे ज्यादा तेजी, टाटा स्टील निफ्टी टॉप गेनर बना। 48 की उम्र में तीसरे बार पिता बने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सोहेब अख्तर, सोशल मीडिया पर शेयर किया बच्ची का नाम। आम जनता के लिए 1 मार्च से खुल गया है यूएई का हिंदू मंदिर, सभी भारतीय कर सकेंगे दर्शन। राशन कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए आया खुशखबरी, राशन दुकान पर लगेगा कैंप, फ्री में बनेगा आयुष्मान कार्ड। अमेरिका के गुरुद्वारे के बाहर सिख की गोली मारकर हुई हत्या, फरवरी में भारतीय पर हमले का ये दूसरा मामला आया सामने। पीएम मोदी के 5 दिन में 2 बार बिहार का किया दौरा, 3 रैलियां की, लोकसभा चुनाव से पहले दे सकते हैं बिहार को बड़ी करोड़ों की सौगात।
कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन, 84 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सजा माफ करने की याचिका हुई है खारिज। बांग्लादेश में आग लगने से भीषण हादसा, 43 लोगों का हुआ मृत्यु, सैकड़ों लोग हो गए घायल। भोपाल में पुलिस कैडर का लागू होगा नया नियम, अब जवान रसोईया नाई धोबी का नहीं करेंगे काम। राजस्थान की 25 सीटों पर भाजपा के टिकट होंगे फाइनल, 10 चेहरे आ सकते हैं सामने, नए मंत्रिमंडल का हो सकता है अनाउंसमेंट। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक के करीबी की हत्या, नफे सिंह राठी की तरह घेर कर बरसाई गोलियां। रेलवे यूनियनों ने दिया हड़ताल की धमकी, पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर सरकार से किया मांग। बागियों से मिलकर निकले विक्रमादित्य, मां प्रतीक्षा सिंह ने की बीजेपी की तारीफ। इंग्लैंड के तुरंत बाद बांग्लादेश करेगी टीम इंडिया 2 का टेस्ट का दौरा, सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, 15 खिलाड़ी को मिल सकता है मौका। रामलला के गर्भगृह में पहुंचे गरुड़ देव, मंदिर के अंदर परिक्रमा लगाने का वीडियो आया सोशल मीडिया में हुआ वायरल। पीएम मोदी पहुंचे वेस्ट बंगाल, बोले हर चोट का जवाब वोट से देना है, पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर टीएमसी पर किया हमला। पीएम मोदी ने सिंदरी हर्ल प्लांट का किया उद्घाटन, झारखंड वासियों को दिया 35,700 करोड़ का सौगात। भारत की जीडीपी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 8.84% रही, पिछली तिमाही 7.6% थी, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर में बेहतर परफॉर्मेंस आया सामने। एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का लगा जुर्माना, 80 साल के बुजुर्ग को व्हीलचेयर नहीं दी, टर्मिनल जाते वक्त हुआ था मृत्यु। गाजा में खाने की लाइन पर खड़े थे फिलिस्तीनी, इजराइल सेना ने किया हमला, बरसाया गोली, 104 लोगों का हो गया मृत्यु। मालदीव के पीएम मोइजू के बुलावे पर भारतीय टीम मदद के लिए पहुंच गई मालदीव, सेना भी आ रहा वापस, बढ़ सकता है दोबारा से दोस्ती। यूपी की 7 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी उतारेंगे ओवैसी की पार्टी AIMIM, बढ़ सकती है अखिलेश यादव की मुश्किलें। पीएम मोदी के 5 दिन में 2 बिहार के दौरे, 3 रैली, लोकसभा चुनाव से पहले 2,00,000 करोड़ की दे सकते हैं राज्य को सौगात। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जीव विज्ञान और गणित का था पेपर। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण टीले पर पूजा मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, शुरू होगी अग्रिम सुनवाई। मंत्री ना बनाए जाने से नाराज राजभर, बोले राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। राष्ट्रपति पद की कमान को लेकर डॉक्टर ने दी रिपोर्ट, प्रशासनिक निर्णय के लिए बाइडेन मेडिकल फिट नहीं। बड़ी खबर, IPL 2024 से पहले मुंबई इंडियन को लगा करारा झटका, कप्तान पांड्या चोटिल होकर टूर्नामेंट से हो गए बाहर। गुजरात के सूरत में इनकम टैक्स अफसर बनकर आया बदमाश, फिर कैशियर को दिखाया पिस्तौल और लूट ले गया 1 करोड़ रुपया। चंद्रयान 4 फिर रचेगा इतिहास, इसरो 2028 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 4, चांद से मिट्टी लाने वाला 4th देश बन जाएगा भारत। 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में लश्कर ए तैयबा आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने किया बरी, 1993 सीरियल बम ब्लास्ट में था उनके खिलाफ मामला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे सुकेश चंद्रशेखर, बोले मुझे धमकाया गया। यूपी में पीएम मोदी देंगे 5 एयरपोर्ट की बड़ी सौगात, यूपी के अलग अलग शहरों में बनेगा नया एयरपोर्ट।